प्रधानमंत्री के नाँ ते मुल्क दे विच कई योजनावां चल रही हैं, पर किते ना किते इन्हां योजनावां दे चलदियां गरीबां नाल मजाक भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबां नूं मुफ्त दे विच कणक देण दा सरकार वल्लों ऐलान किया गया ते इस दा जिम्मा एक एजेंसी नूं दित्ता गया ते जदों वंडी गई कणक दीआं 25 किलो दीआं बोरियां नूं लोकां ने घर जाकर खोलिया तां अंदर काला ते सड़िया होया कणक निकलिया ते इहदे नाल ही इहदे च पत्थर ते होर भी कंकड़ वेखे गए। इस नूं वेख के लोकां दे होश उड़ गए। इन्ना ही नहीं, जद लोग इस नूं चक्की दे विच लै के गए ते मशीन वालिआं ने कणक नूं पीसण तों इनकार कर दित्ता। हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्रशासन इनको जो कनक दे रहा है, देखो कनक का क्या हाल है, इसको कोई जानवर भी ना खाए जैसी कनक प्रशासन ने दी है। हम ये चाहते हैं प्रशासन से भी इनको इंसानों वाली कनक तो दी जाए। हाँ देखो सारी सड़ी हुई कनक है, तो प्रशासन से यही अपील करेंगे कि भी जो ये कनक है लोगों को साफ सुथरी कनक दी जाए, ये गधे घोड़े जानवर वाली कनक ना दी जाए। ये भी इंसान है क्या, इनका ये इंसान है तो मतलब इनको गरीब बंदों को तुम ये कनक दोगे? तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस कनक को चेंज किया जाए और सभी को सही बिल्कुल साफ कनक दी जाए। ये जो कनक आई है ये कनक खाने योग्य नहीं, तो इस करके जो है अगर हम इस चीज़ को कोई भी इंसान इसको खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। और पहले तो लोग कोरोना से वैसे ही परेशान थे, कोरोना करके लोगों का काम धंधा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और ठीक है, प्रशासन सरकार जो भी है मतलब मदद कर रही है हम लोगों की तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बीच में कुछ लोग हैं जो कि इस काम को अंजाम दे रहे हैं, तो ये चीज़ हम नहीं ले सकते। और हमें जो भी चीज़ें मिले तो खाने योग्य हों। ताकि आज भी क्या क्या प्रॉब्लम आई है इसमें, कनक में बहुत पुरानी है, सड़ी हुई है और मिट्टी है, कचरा है और स्मेल तक आ रही है। उत्थे एरिया दे पार्षद दलीप शर्मा ने कहा कि लोगों की शिकायत ते अफसरां नाल गल कीती जाएगी ते इस मामले दी पूरी जांच कीती जाएगी। लोगों के काफ़ी फ़ोन आ रहे थे और कणक के बारे में उन्होंने शिकायत करी है कि भाई ये खाने योग्य नहीं है और ये इसको तो अगर कोई आदमी खाएगा तो नेचुरली बीमार हो जाएगा। तो मैंने कांवले से बात करी थी, जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करी, तेजदीप सैनी ने फ़ोन नहीं उठाया, और DFSO से बात करी थी कि जी हम बदल देंगे। मैं बदलना इसका वो मकसद नहीं है, मकसद तो यह है कि कणक ये गलत आ कैसे रही है और जो जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जो जो कणक इसको लोगों को बंटवा रहे हैं, जो भी संलिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और साफ कणक मिलनी चाहिए। लोगों को ज़रूरत है, अगर हम हेल्प कर रहे हैं, हेल्प की बजाय हम उनको नुकसान देंगे, बीमार होंगे वो लोग, और जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसमें चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। फिलहाल हुण वेखण वाली गल होवेगी कि इस संबंध दे विच संबंधित विभाग ते प्रशासन की कुछ कार्रवाई अमल दे विच लियांदा है। जगवाणी टीवी लई चंडीगढ़ तों भगवत सिंह दी रिपोर्ट।